हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं करंट अफेयर्स डिकोडेड। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोग एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, ठीक है, जो टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे, चाहे एक पर्टिकुलर मंथ के हों चाहे वन सिंगल डे के हों। तो अभी अगर हाल फिलहाल में देखें, 21 तारीख का हिसाब लगाएं, तो ये जो खबरें हैं ये आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे क्रिप्टो करेंसी वाली है, वर्ल्ड बी डे वाली है, ठीक है, और आपका जो ये आइसबर्ग है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग, और जो आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो बेसिकली जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट खबरें होंगी, चाहे वो आपके इंडियन एक्सप्रेस से हो, पीआईबी से हो, द हिंदू से हो, हम उन्हें वहां से लेके जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो लगता है कि आपके यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ क्लास। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला यहाँ पर जो टॉपिक है, पहला टॉपिक बात करी जा रही है आपके क्रिप्टो करेंसी का, जो मार्केट है वो हो चुका है क्रैश, ठीक है। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो मेजर करेंसीज होती हैं वो आपकी बिटकॉइन हो गई, ठीक है, एथेरियम हो गई, बीएनबी हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि 24 घंटे में इसको काफी, मतलब जो मार्केट रहा है वो यहाँ पे काफी हद तक क्रैश हुआ है, करीब 30% तक यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आया है। एंड दिस केम इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइनीज रेगुलेटर्स दैट अनाउंसिंग अ क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो उन्होंने, जो आपके चाइनीज रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया कि भैया इस तरीके का क्रैकडाउन हो चुका है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप देखो, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे, पर इससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं कि अगर क्रैकडाउन हुआ है तो क्यों हुआ है। तो देखो, क्रैकडाउन यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए तो देखो, चाइना बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बैट कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, पेमेंट कंपनीज को, फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज रिलेटेड टू योर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। तो दिस मीन्स जो आपकी बैंक्स वगैरह हैं, ऑनलाइन पेमेंट चैनल्स हैं, दे मस्ट नॉट डिफर क्लाइंट्स एनी सर्विस इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आपकी चाहे रजिस्ट्रेशन हो गई, ट्रेडिंग हो गई, क्लियरिंग हो गई, सेटलमेंट वगैरह हो गया। फिर चाइना ने यहाँ पे इशू किया था एक बैन, ठीक है, दे इशूड अ बैन ऑल्सो 2017 में, एज वेल एज यहाँ पे उन्होंने कंपेयर भी किया था विद द प्रीवियस बैन एंड द न्यू रूल्स हैव एक्सपेंडेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नए रूल्स आए हैं उनको भी यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया गया है। तो जो स्कोप है आपके प्रोहिबिटेड सर्विसेज का, ठीक है, उनको यहाँ पे सरमाइज किया गया है दैट वर्चुअल करेंसीज आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी आपकी वर्चुअल करेंसी है, दे आर नॉट सपोर्टिंग एनी रियल वैल्यू। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो, अगर बहुत सारे रीजंस, अगर हम एक उसमें से एक रीजन देखें, कि यहाँ पर एक बड़ा रीजन ये भी बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पे जो आपकी टेस्ला की स्टोरी, यानी कि जो आपका टेस्ला है, टेस्ला ने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो यहाँ पे जो बिटकॉइन है उसके फेवर में नहीं है, ठीक है, ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न्स, बिकॉज बिटकॉइन की वजह से क्या होता है, बिटकॉइन माइनिंग जो है वो रिक्वायर करती है इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी विच इज मोस्टली जनरेटेड यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की काफी हद तक यहाँ पे मात्रा हमें कम होती हुई नजर आएगी और एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो टेस्ला है, टेस्ला ने साफ साफ यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि वो यहाँ पे बिटकॉइन के फेवर में नहीं है। ओके, हाउएवर दिस सीम्स टू बी मोटिवेटेड एंड रेजेस अ फ्यू क्वेश्चंस, जैसे कि डिडंट टेस्ला मैनेजमेंट ऑलरेडी नो अबाउट बिटकॉइन माइनिंग बिफोर डाइवर्सिफाइंग इनटू इट। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज हो जाते हैं कि देखो, टेस्ला मैनेजमेंट जो है, क्या उनको पहले से बिटकॉइन माइनिंग के बारे में पता था या नहीं पता था, या जो भी चीज है। और ये है आपके एलन मस्क, ठीक है, ये है आपके एलन मस्क। ऑल राइट, तो यहाँ पर बेसिकली एक बोला जा रहा है कि एक टेस्ला भी आपका एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में होती क्या है। देखो, क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल एसेट है, ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया है ताकि ये वर्क करे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कॉइन ओनरशिप रिकॉर्ड रखते हैं, दे आर स्टोर्ड इन अ लेजर एग्जिस्टिंग इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। तो यहाँ पे जो आपके कॉइन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी पर्टिकुलर ओनरशिप होती है, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, बेसिकली ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये स्टोर होते हैं आपके कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
इट यूजेस स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। तो बेसिकली इनको क्या है कि इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी को यूज करना पड़ता है ताकि सिक्योर कर सके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स को, कंट्रोल कर सके क्रिएशन को ऑफ एडिशनल कॉइन्स के, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना जो भी ट्रांसफर हो रहा है कॉइन ओनरशिप का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इट टिपिकली डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। तो यहाँ पे अगर देखो, जैसे आप लोग पैसे वगैरह देखते हो कि भैया ये हमारा 10 रुपए का नोट है, ये फलाना ढिमकाना, ऐसे पेपर के नोट वगैरह होते हैं आपके, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकल फॉर्म में। एंड इट इज टिपिकली नॉट इशूड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे हमारा आप जो हमारी रुपी वगैरह है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा इशू किए जाते हैं, तो आपका जो जो क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर नहीं आपकी इशू की जाती। उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसीज हैं टिपिकली ये यूज करती हैं डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, ठीक है, एज ऑपोज टू सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी एंड सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्रिप्टो करेंसी है, आप लोग यहाँ से इसको और इजीली समझ सकते हो। ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है, मीडियम है, एक्सचेंज है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्रिएटेड और स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द ब्लॉकचेन, ठीक है। तो इसको क्रिएट किया जाता है, स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, ऑल राइट, यूजिंग इनक्रिप्शन टेक्निक्स। तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड रहे तो वो टेक्निक्स भी यहाँ पे यूज की जाती हैं ताकि कंट्रोल कर सकें क्रिएशन को मॉनिटरी यूनिट के, ठीक है, और वेरीफाई कर सके ट्रांसफर ऑफ फंड्स को। तो बिटकॉइन आपका बेसिकली इट इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में, ओके। तो यहाँ पर जो आपका क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, बेसिकली उसको यहाँ पर क्रैश होते हुए देखा गया है 24 घंटे में 30% तक यहाँ पे इनको क्रैश होते हुए देखा गया है। चलिए अगली खबर पे चलो। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके वर्ल्ड बी डे के बारे में। वर्ल्ड बी डे यानी कि बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, मधुमक्खी सबने देखी होगी। तो वर्ल्ड बी डे आपका कब मनाया जाता है ये देखते हैं। देखो मई 20 को, 20 तारीख को यहाँ पर मनाया जाता है आपका वर्ल्ड बी डे। उसके बाद अगर देखा जाए इस दिन को 1734 में जो आपके एंटोन जेंसा थे, बेसिकली ये एक पायोनियर थे जो आपकी जो बी पालन होता है ना, जैसे आपकी मधुमक्खियों का पालन करते हैं, ठीक है, वो थे ये। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे प्रोक्लेम किया था कि 20 मई को आपका वर्ल्ड बी डे मनाया जाएगा। 2017 में हुआ था ये, प्रपोजल आया था, ठीक है। और इस बार का जो थीम है, अगर 2021 की बात करें हम, तो 2021 का थीम है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली जो बीज हैं उनकी प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना, उनका भी हम लोगों को, क्योंकि देखो हम किसी भी जानवर से या किसी भी इंसेक्ट से अगर हमें कोई भी फायदा मिलता है, जैसे आपकी जो बी है, हनी बी है, हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, शहद मिलता है। तो अगर हमें किसी भी पशु पक्षी या किसी भी आपकी इंसेक्ट हो, किसी से भी अगर हमें कोई भी फायदा मिलता है, तो हमारा भी एक तरीके से यहाँ पर फर्ज बनता है कि हम उसके लिए भी कोई ना कोई चीज करें। तो देखिए अब इसके लिए हुआ क्या है, देखो जो एफर्ट्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा वो क्या क्या लिए गए हैं। देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रमोट किया है बी कीपिंग को कि भैया यहाँ पे मधुमक्खियों का पालन इसको प्रमोट करा है इन्होंने, और यहाँ पे बोला है कि इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक एम रखा जा रहा है जिससे हम जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को कर दें दो गुना, डबल कर दें उनकी इनकम को। तो जो गवर्नमेंट है उसने एलोकेट किया है करीब 500 करोड़ रुपए, ठीक है, 500 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ पर दिए हैं बी कीपिंग के लिए। और देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे जो आत्मनिर्भर अभियान है उसके अंतर्गत भी आ जाएगा। तो जो नेशनल बी बोर्ड है उसने यहाँ पे क्रिएट करे हैं 4 मॉड्यूल्स, ठीक है, जो कि इम्पार्ट ट्रेनिंग है एंड एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो यहाँ पे क्या है कि 30 लाख फार्मर्स होंगे, 30 लाख फार्मर्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। एंड दे आर ऑल्सो बींग फाइनेंशियली सपोर्टेड बाई द गवर्नमेंट। अब इनको देखो यहाँ पे क्या है कि इन 30 लाख फार्मर्स को यहाँ पर पहले तो ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। अब सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किया है आपका हनी मिशन, ठीक है, आपका हनी मिशन यहाँ पे लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन। अब देखो ये स्वीट रेवोल्यूशन क्या है कि जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर वगैरह में देखा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल, तो यहाँ पर हमने इसके तहत यहाँ पर स्वीट रेवोल्यूशन ला दिया है, क्योंकि आपका जो शहद होता है वो मीठा होता है और शायद हमें किससे मिलता है, मधुमक्खियों से मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो मिशन का नाम है ये मिशन है आपका हनी मिशन, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन। तो इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स। तो हमारा जो भारत है वो आपके पूरे वर्ल्ड में से जो 5 उम्दा प्रोड्यूसर्स हैं आपके शहद के उनमें से एक है। उसके बाद अगर कंपेयर किया जाए
2005-06 हनी प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में बढ़ता हुआ नजर आया है, 242% यहाँ पे बढ़ा है, और जो एक्सपोर्ट्स है एक्सपोर्ट्स ऑल्सो शॉट बाय 265%। ओके, इसके बाद देखो अगर सिग्निफिकेंस देखें हम बी कीपिंग का, तो देखो एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक डेटाबेस है, ठीक है, अब ये जो डेटाबेस है ये है आपका 2017-18 की बात कर रहा है, तो इंडिया की जो रैंक थी वो आपकी 8वें नंबर पे थी, 8th पोजीशन पे रही थी इन टर्म्स ऑफ योर हनी प्रोडक्शन, अगर हनी की प्रोडक्शन की बात करी जाए। और यहाँ पर आपका जो चाइना है वो यहाँ पे सबसे पहले आया था, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्शन लेवल था वो था करीब आपका 551,000 टन, और हमारा था 64,900 टन, ठीक है। तो फर्दर जो आपका बी कीपिंग है दैट कैन बी एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर इन अचीविंग द 2022 टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो बेसिकली क्या है कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत क्या है कि यहाँ पर जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो है वो डबल की जा रही है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से फार्मर्स वही हैं जिनको बहुत ज्यादा यहाँ पे सफर करना पड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक टारगेट बनाया गया है कि भैया 2022 तक हम क्या करेंगे, जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल कर देंगे। तो उसके तहत आपका जो ये बी कीपिंग है, ठीक है, ये काफी हद तक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑल राइट, चलिए अगला देखो, अगली बात हो रही है, देखो यहाँ पे A76। अभी A76 क्या भैया, A76 है आपके वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग। तो हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा एंटार्क्टिका के बारे में, ठीक है। अब एंटार्क्टिका में से क्या हुआ है कि भैया एक बहुत गाइन सा एक बहुत बड़ा आइसबर्ग जो है वो वहां से एंटार्क्टिका से टूट के, ठीक है, बर्फ का एक हिस्सा टूट के आपका वेडल सी में जाके गिर गया है। कहाँ गिर गया है? वेडल सी में जाके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो बेसिकली ये जो आपका यहाँ पर आप ये इतना हिस्सा देखो, इससे कटा हुआ आपको ये हिस्सा दिख रहा है करीब 174 किलोमीटर का, और इसकी जो आपकी विड्थ है इसकी वो है करीब 25.6 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है ये इससे अलग होके, ठीक है, बर्फ के उससे पूरा अलग होके, और ये यहाँ पे वेडल सी में जाके अलग हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कहा गया है इट्स एन इनॉर्मस आइसबर्ग, ठीक है, इसका नाम रख दिया गया है A76। इट हैज कार्व्ड फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द रोने आइस शेल्फ, ठीक है। तो जो रोने आइस शेल्फ है आपका, रोन आइस शेल्फ है बेसिकली, उससे क्या हुआ है जो वेस्टर्न साइड है वहां से ये हट गया है, मतलब कट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ गया है वेडल सी में, अंटार्कटिका में। और अगर इसकी मेजरमेंट देखी जाए तो देखो मेजर कर रहा है ये करीब आपका 4,300 स्क्वायर किलोमीटर का साइज में है, और करेंटली ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ग बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए, ये आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, आसपास देखोगे सदर्न ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, रॉस सी है, सर्कल है, फाकलन आइलैंड्स है, वेडल सी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपका साउथ पोल है, साउथ पोल पे आपको एंटार्क्टिका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यू नो के पोल्स पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ठंडा टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका से एक पर्टिकुलर मान लो कि आपका एक पर्टिकुलर जो हिस्सा है बर्फ का वो टूट के आपका वेडल सी में आ गया है, ठीक है। दिस इज योर एंटार्क्टिका का मैप, आप लोग इसको ढंग से देख लें। बाकी आप लोग यहाँ पे देखो अफ्रीका का हिस्सा दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा होगा, है ना, ये न्यूजीलैंड दिख रहा होगा, और ये आपका साउथ अमेरिका दिख रहा होगा। तो ये आपका इधर की तरफ आ जाता है एंटार्क्टिका। ओके, की पॉइंट अगर देखा है इसके, तो देखो जो अभी आपका न्यूली कार्व्ड बर्ग है A76, ठीक है, इसको स्पॉट किया गया है इन रीसेंट सैटेलाइट इमेजेस कैप्चर्ड बाय द कॉर्पनिकस सेंटिनल 1 मिशन, ठीक है। तो याद रखना है इसको कि किसके द्वारा ये कैप्चर करी गई है। उसके बाद जो आपका सेंटिनल 1 है ये इट इज वन ऑफ द मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बेसिकली एक मिशन रहा है ये अंडर द कॉपरनिकस इनिशिएटिव, जिसमें क्या है कि ये आपका जो इनिशिएटिव है इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट हैज सरपास्ड द नाउ सेकेंड प्लेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले 76 आ गया है, ठीक है, सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग तो आपका A76 हो गया, पर इससे पहले कौन था? इससे पहले भी तो कोई होगा, जब ये पहला आ गया और उसको सेकंड पोजीशन पे कर दिया, तो देखो सेकंड प्लेस पे अब आ गया है आपका A23A,
3A, जिसकी अगर देखा जाए, जिसका साइज देखा जाए, वो था करीब आपका 3380 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, और वो भी फ्लोट कर रहा है आपके वेडल सी में। बट यहाँ पर इस नए व्यक्ति ने आके अपनी जगह बना ली है, ठीक है, और इसका जो साइज है भैया वो इससे ज्यादा है, 4000 समथिंग 370 का है ना, यही था ना, 320 था, हाँ 4320 किलोमीटर का है ये, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का। तो इसका बेसिकली ये पर्टिकुलर साइज इन महाशय का है, और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है A23A को। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए कि भैया एक्चुअल में ये आइसबर्ग होता क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो बेसिकली देखो आइसबर्ग क्या है, आइसबर्ग ना क्या होता है कि एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं ना उनसे टूट के अल्ग हो जाता है, या फिर कह सकते हो कि शेल्फ आइस है, ठीक है, जो फ्लोट कर रही है आपके ओपन वाटर में। तो ये जो आइसबर्ग हैं ये ट्रेवल करते हैं विद ओशन करंट्स, ठीक है, एंड दे आइदर गेट कॉट अप इन द शैलो वाटर्स और ग्राउंड देमसेल्व्स। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, ये यूएस का नेशनल आइस सेंटर है, ठीक है, ये बेसिकली आपकी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे नाम जो नेम देती है, ठीक है, दैट नेम्स एंड ट्रैक एंटार्कटिक आइसबर्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नाम भी है A76, तो आप लोगों को पता चल गया होगा किसके द्वारा दिया गया है, यूएस की नेशनल आइस सेंटर द्वारा, एकमात्र है, इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पे नाम दे रही है, इवन ट्रैक भी करती है। तो जो आइसबर्ग्स हैं आपके, दे आर नेम अकॉर्डिंग टू द एंटार्कटिक क्वाड्रेंट, ठीक है, तो एंटार्कटिक क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर उनको नाम दिए जाते हैं, इन विच दे आर स्पॉटेड। तो किस जगह पे यहाँ पर ये, किस क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये स्पॉट किए गए हैं, उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम रख दिए जाते हैं। अब देखो अगली चीज है भैया आपकी आइस शेल्फ। अब आइस शेल्फ क्या होते हैं, जो आपके आइस शेल्फ है ये क्या है, ये फ्लोटिंग एक्सटेंशन है, ठीक है, ऑफ लैंड आइस। ओके, तो जो आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पे बेसिकली पूरा सराउंड कर रहा है आइस शेल्फ से, ठीक है, जगह जगह आपके पूरा उसको सराउंड कर रहे हैं आपके आइस शेल्फ। और उसके बाद जो आपका रोन आइस शेल्फ है, इट इज ऑन द फ्लैंक ऑफ अंटार्कटिक पेनिनसुला एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ सेवरल एनॉर्मस फ्लोटिंग शीट्स ऑफ आइस दैट कनेक्ट्स टू द कॉन्टिनेंट लैंडमास एंड एक्सटेंड आउट इनटू द सराउंडिंग सीज। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं ये आइसबर्ग कार्विंग की। अब आइसबर्ग कार्विंग देखो क्या है कि बेसिकली ये आपकी एक ग्लेशियोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, फॉर द मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस जैसे सिंपली अगर आपका कुछ टूट जाता है, जैसे आइस का एक बर्फ का हिस्सा है जो टूट जाता है फ्रॉम अ ग्लेशियर मार्जिन, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्योंकि कार्व्ड आउट हो गया। ये बेसिकली अगर ये कोई एक हिस्सा है, ये बर्फ है मेरे पास, ठीक है, और मैंने बर्फ को आप मान लो कि तोड़ दिया तो उससे इतना हिस्सा आप लोग देखोगे ऐसे ऐसे से क्रैक बन के अलग हो जाएगा, तो ये कार्व्ड आउट हो गया अलग, ठीक है। तो जो कार्विंग है आपकी, कार्विंग इज मोस्ट कॉमन व्हेन अ ग्लेशियर फ्लोज इनटू वाटर, तो ये काफी कॉमन हो जाती है जब कोई ग्लेशियर आपका पानी में तैर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पानी आपका चाहे लेक भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, किसी में भी यहाँ पे तैर सकता है, बट कैन ऑल्सो अकर ऑन ड्राई लैंड, ठीक है, तो ये यहाँ पर ड्राई लैंड पे भी अकर कर सकता है, ठीक है, वेयर इट इज नोन एज अ ड्राई कार्विंग। ओके, तो अभी रिसेंट केसेस अगर हम देखें कार्विंग के, अगर ऐसे कुछ कार्व्ड आउट हुए हैं, तो देखो अप टू द एंड ऑफ 20th सेंचुरी The Larsen Ice Shelf on the West Antarctic Peninsula has been stable for more than 10,000 years. उसके बाद 1995 की बात है, however, there was a huge chunk, ठीक है, जो कि यहाँ पर टूट गया था, followed by another in 2002. तो यहाँ पे देखो शुरुआत 1995 में एक, उसके बाद 2002 में, उसके बाद this was followed by breakup of nearby Wilkins Ice Shelf 2008 में और 2009 में, और फिर आपका A68A 2017 में। अब आपको ये देखने को मिला है नए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपके आइस का फ्लो है, ये आपका आइस शेल्फ है, और इस तरीके से कार्व्ड आउट हो जाते हैं आपके आइसबर्ग्स। देख रहे हो ऐसे 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 यहाँ पर ये कार्व्ड आउट हो जाते हैं, अपने आप यहाँ से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये आपकी मेल्टिंग आइस है, ठीक है, जो कि आपकी अंदर ही अंदर यहाँ पे मेल्ट हो रही है। और देखो यहाँ पे जो कारण है, अगर कारण हम देखें तो कारण तो आप लोगों को पता है, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। क्लाइमेट चेंजेस हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर कंसर्न्स देखी जाए कि भैया चलो ये सारी चीजें हो तो रही हैं, अब इसके प्रति यहाँ पे कंसर्न्स क्या हैं, तो देखिए ये जो पीरियोडिक कार्विंग हो रही है, इतने बड़े बड़े आपके आइसबर्ग्स यहाँ पे टूट रहे हैं, ठीक है, अलग हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, ये एक नेचुरल साइकिल है, ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है इट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय क्लाइमेट चेंज। अब ये यहाँ पर देखो, एक तो नेचुरल प्रोसेस है,
ठीक है, ये तो पता है, ये तो नेचुरल है, पर उसके बाद भी यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पर इसको एक्सेलरेट कर रहा है, और जो एवरेज सी लेवल है ना वो यहाँ पे इससे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो करीब 9 इंची यहाँ पे आपका जो सी का लेवल है वो बढ़ रहा है 1880 से, एंड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ दैट जो कि इंक्रीज हो रहा है, दैट कम्स फ्रॉम योर आइस मेल्टिंग इन द ग्रीनलैंड। ठीक है, और उसके बाद एंटार्क्टिका की आइस शीट जो हो गई आपकी, एंड अलॉन्ग विद द लैंड बेस्ड ग्लेशियर्स एल्सवेयर। ओके, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका सी लेवल है वो धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आइस वगैरह मेल्ट हो रही है उसकी वजह से। तो अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, अभी एक रीसेंट स्टडी हुई उसके उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोर एम्बिशियस नेशनल गोल्स टू कट ग्रीन हाउस। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनका एमिशन है, ठीक है, उसके प्रति यहाँ पे चीजें लेके आई जा रही हैं कि स्लो डाउन करना चाहिए हमें क्लाइमेट चेंज को, जो आपका टेम्परेचर इतना बढ़ता हुआ जा रहा है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, एंड रिसेंटली यहाँ पर किसी भी तरीके से हमें स्टॉप करना है ये जो सी लेवल है जो कि यहाँ पे राइज कर रहा है। तो इनफैक्ट ये जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स वगैरह हैं, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो सी लेवल है उसको 2 गुना बहुत तेजी से बढ़ा देती हैं। और यहाँ पर काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर बेसिकली जो आपके पेरिस अग्रीमेंट के अंतर्गत आती हैं, और वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेज लेती हैं कि हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे अपनी क्लाइमेट को, और यहाँ पर जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देंगे। तो यहाँ पर समय आ चुका है, और अभी भी हाल फिलहाल में जो हमारे US प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये पर्टिकुलर चीज कही भी गई थी कि हम लोग कम से कम 2030 तक जो आपका टेम्परेचर है उसको कम से कम नेट जीरो तक ले आए, जो आपकी कार्बन, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन है उसको काफी कम करने की सबने सोची है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे देखो बात हो रही है आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अब बेसिकली ये है क्या, जैसे कि आपके जो पैसे वगैरह होते हैं ना, जैसे ऑनलाइन वॉलेट होते हैं आपके, अमेजोन पे में रखते हो, ओला मनी है आपके, मोबीक्विक है, फोन पे, दिल्ली मेट्रो कार्ड, मेट्रो जाते हो ना दिल्ली मेट्रो कार्ड होते हैं, तो इनको क्या है, अब इनको क्या है कि आप लोग विड्रॉ कर सकते हो एटीएम को यूज करके या फिर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि आप लोग सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह लगाते थे तो उसी के हिसाब से आपके एटीएम से पैसे आ पाते थे। ठीक है, उसी से कार्ड लगाओगे तभी आपको पैसे मिल पाएंगे, बट यहाँ पे क्या हो गया कि अब आप इनसे, चाहे आपका अमेजोन पे हो, ओला मनी हो, मोबीक्विक हो, फोन पे हो, इवन दिल्ली मेट्रो कार्ड, अब इनका जो पैसा वगैरह होता है वो आप एटीएम से कर सकते हो विड्रॉ इजिली। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है अगर इनकी बात करी जाए तो ये यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं आपके ट्रांजेक्शन को, जैसे कि आपके अगर आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेस चाहिए, जैसे आपके फंड ट्रांसफर हो, ठीक है, वेल बेसिकली क्या है ये, जैसे आप कोई भी अमेजोन से चीज खरीद रहे हो, ठीक है, आपको इजी पड़ जाता है अगर आप लोग अमेजोन पे से वहां पे पेमेंट कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो आप लोग, फोन पे से पेमेंट कर देते हैं, क्या झंझट रखे, कोविड का टाइम वैसे ही है, अगर कोई व्यक्ति आएगा कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, हाथ में उसके पैसे देंगे, नहीं पता किसको वायरस है किसको नहीं है, किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है, तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है, इसीलिए बहुत एक ईजी माध्यम रहता है। ईजी माध्यम यही है कि भैया फोन पे वगैरह यूज करो और इसको पैसे जमा कर दो, उसके ऑलरेडी पेमेंट कर दी हमने। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर क्या है आपके पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो द वैल्यू स्टोर्ड ऑन पीपीआई, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी स्टोर्ड होती है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे, दे आर रिप्रेजेंट द वैल्यू पेड बाय द होल्डर्स बाय कैश थ्रू अ बैंक अकाउंट। तो देर आर लार्ज वेराइटी ऑफ पीपीआई इंक्लूडिंग स्मार्ट कार्ड्स। ठीक है, अब इसमें आपके स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, देखो स्मार्ट कार्ड्स है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होते हैं आपके, इंटरनेट अकाउंट है, इंटरनेट वॉलेट होते हैं, चाहे आपके अमेजोन हो गया, एयरटेल मनी भी होता है आपका, जियो का भी होता है, डिजिटल वॉलेट हो गए, मोबाइल अकाउंट है, मोबाइल वॉलेट है, पेपर वाउचर है, और बहुत सारे ऐसे तरीके के आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है एक्सेस करने के लिए प्रीपेड अमाउंट के। ठीक है, तो जो आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है इसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई द्वारा। एज पर द आरबीआई रेगुलेशन यहाँ पर 3 प्रकार के आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। सबसे पहला देखिए भैया क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद है सेमी क्लोज्ड, उसके बाद है ओपन सिस्टम। अब ये क्या है इनको एक बार देख लेते हैं भैया। अगर बात करें हम क्लोज सिस्टम की तो देखिए ये जो पेमेंट वगैरह है, जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इनको इश्यू किया जाता है बाय अ पर्सन,
सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा यहाँ पे इसको इशू किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए अपने परचेस ऑफ गुड्स को, ठीक है, और वो भी सिर्फ वो खुद कर सकता है। इसमें क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये परमिट नहीं करते हैं कैश विड्रॉल, ठीक है, रिडेम्पशन नहीं करते। एंड बीइंग वेरी सिंपल टाइप दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट फॉर थर्ड पार्टी, ठीक है, तो तीसरी पार्टी के लिए नहीं होते ये सर्विसेज वगैरह, सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति के लिए हैं। तो ये जो पीपीआई हैं आपके, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज पेमेंट सिस्टम्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जो इम्प्लीकेशन है आपके, द इम्प्लीकेशन इज दैट कि जो आरबीआई है उसने अप्रूवल दे दिया है यहाँ पे दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग द क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो इन द रियल वर्ल्ड क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड बोनस पॉइंट, जैसे कि आपके वॉलेट्स वगैरह हो गए, वॉलेट्स इशू करते हैं बाय वेब पोर्टल्स फॉर द ऑनलाइन परचेजेस, शॉपिंग फॉर कस्टमर्स, ठीक है, और जो मोबाइल प्रीपेड कार्ड्स वगैरह होते हैं दे ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। तो जो क्लोज सिस्टम में आपके इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं सेमी क्लोज बारे में। देखो सेमी क्लोज क्या होते हैं, जो भी आपके पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप दैट कैन बी यूज फॉर अ परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एट अ ग्रुप क्लियरली आइडेंटिफाई मर्चेंट लोकेशंस एस्टैब्लिशमेंट। तो ये क्या है, दीज आर योर पीपीआई, ठीक है, दैट कैन बी यूज फॉर थर्ड पार्टी परचेज। अब यहाँ पे इनको यूज किया जा सकता है थर्ड पार्टी परचेज सेटलमेंट के लिए, ठीक है, और एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में, इश्यूअर और मर्चेंट के बीच में, एंड इट इज नीडेड फॉर द यूज ऑफ दीज पीपीआईज। सो स्टिल जो सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट है इसके, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी यूज फॉर कैश विड्रॉल, इनको कैश विड्रॉल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं बाय द होल्डर। ऑल राइट, फॉर हायर पेमेंट्स तो यहाँ पर क्या है कि आपके केवाईसी के नॉर्म्स आ जाते हैं विच आर बीन रिक्वायर्ड, ओके। सो फॉर एन एग्जांपल आपका जो सेमी क्लोज सिस्टम है वो बेसिकली जैसे आपके पेटीएम वॉलेट वगैरह हो गए, ठीक है, उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है इस कैटेगरी में। फिर आ जाते हैं आपके ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अब ये होते हैं आपके मल्टीपर्पज कार्ड, यानी कि हर पर्पज के लिए ये कार्ड्स का यहाँ पर यूज कर दिया जाता है। तो ये जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेसिकली आपके परचेस ऑफ गुड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विस के लिए भी, फंड ट्रांसफर के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं ये मर्चेंट की लोकेशन, सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं, और ये परमिट करते हैं कि भैया पैसे निकाल लो आप एटीएम से, विड्रॉ कर लो, ठीक है, बैंक अकाउंट से भी। तो यहाँ पर क्या है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज पीपीआई इज दैट दे कैन बी यूज फॉर लिमिटेड कैश ट्रांसफर, ठीक है, अब इनको लिमिटेड कैश ट्रांसफर के लिए भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, कैश विड्रॉल के लिए भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, और जो आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन जो आरबीआई है, आरबीआई ने रेज किया था कैश विड्रॉल लिमिट ऑफ दीज पीपीआई, ठीक है, तो कितना कर दिया था, करीब कर दिया था आपका 20,000, और ये जो पीपीआई है इनको इशू किया जाता है ओनली बाय बैंक्स, ठीक है, तो बैंक्स द्वारा यहाँ पर इनको इशू किया जाता है। और अगर ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जांपल देखें हम, तो जो आपका वोडाफोन एम पैसा है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज कार्ड्स होते हैं, इससे आप लोग कैश विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप इससे सारी चीजें कर सकते हो, इट इज बेनिफिशियल ऑल्सो। ये थी आपकी आज वीडियो, ठीक है, इसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट रहे हैं कल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको करा दी, इन सारे टॉपिक्स को आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इफ यू वॉन्ट द पीडीएफ के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे आपको स्टडी आईएएस ऑफिशियल आपको सर्च करना है, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना और आपको ये पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। चलो तो फिर मिलेंगे आराम से, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय एवरीवन, टेक केयर।